Hey guys, welcome to my YouTube channel Vandana Study Point. And today's video is going to be very important for all the exams topics, that is Panchayati Raj. ये है हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है पंचायती राज. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और सारे ही एग्जाम्स में हमारे इससे संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं. कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो कभी हमसे यह पूछ लिया जाता है कि इसमें ये किस भाग में आता है, किस भाग के अंतर्गत क्या ये अनुसूची में आता है, या फिर इससे संबंधित आर्टिकल्स है वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या दिया गया है. तो आज की वीडियो विदाउट स्पीकिंग एनी पॉइंट आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे पंचायती जो राज व्यवस्था है वो हमारे भारत देश में लागू हुई, क्या इसके बैकग्राउंड थे, क्या इसके आगे की जो कमिटीज थी उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी और किस प्रकार से हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है, क्या क्या इसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हमारे सारी आगामी परीक्षाओं और जैसे हमारी पिछली परीक्षाएं हो रखी है उन सभी में क्या क्या हमारे प्रश्न पूछे गए हैं. तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा. पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको आगे की इम्पोर्टेंट मेरे अपडेट्स टॉपिक्स वाइज वो सारे मिलते रहे और आपके एग्जाम्स में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बेनिफिशियल साबित हो और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ. तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें. हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज. ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज एक व्यवस्था है. ये क्या है, हमारी एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है. ठीक है, अपना इनका अपना शासन होता है. जैसे जो गांव में पंचायतें हैं, पंचायतें क्या करती है, वहां पे हमारे एक प्रधान होते हैं. ठीक है, उनके अंतर्गत में सचिव होते हैं, सचिव पंचायत और जो पूरी हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा में जितने भी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं या फिर हमारे जो ग्रामीण जनता है, तो वो सभी लोग मिलकर अपने लिए एक योजना अपने गांव के विकास के लिए तैयार करी जाती है और ये ग्राम पंचायत में किसी भी बाहर की बॉडी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ये अपना एक स्वतंत्र निकाय है और ये अपनी एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे हमारी इसकी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पंचायती जो राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत हमारे किधर से होती है. ठीक है, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत हो रही है. वो राजस्थान के नागौर जिले से हो रही है. वहां पे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इसकी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो रही है. उसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई. इसी प्रकार धीरे धीरे अन्य सभी जिलों में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है. ठीक है, तो देख लेते हैं जो इसका हमारा शुभारंभ है. पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये होता है 2 अक्टूबर 1959 को, कहां से, राजस्थान के नागौर जिला. ठीक है, ये हमारे करते हैं तत्कालीन जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जेएल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है. 11 अक्टूबर को हमारा आंध्र प्रदेश में भी ये पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंचायती राज है ये जो पंचायत में अपना जो जो शासन होता है, ठीक है, या ये जो सबसे निचले स्तर की जो पंचायतें होती है वो ग्राम पंचायतें कहलाती हैं. ये हमारा एक बहुत ही जो हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हमारे, ठीक है, बाबूजी, उनका एक सपना हुआ करता था सभी पंचायतों के लिए कि ये स्वतंत्र पंचायतें हो, अपनी एक एक इनकी बॉडी हो. तो उस हिसाब से, और हम जैसे जानते हैं कि जो गवर्नर थे लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को भी हमारा स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है. ठीक है, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है. हम जैसे देखते हैं उत्तराखंड में भी जितने हैं, जैसे चोल शासन है, तो चोल शासन में भी इनको स्थानीय स्वशासन उनके टाइम से लागू था. तो उसके बाद से इसी प्रकार से भारत में भी हमारा लागू हुआ. तो पंचायती राज के तहत क्या आता है, जैसे एक होती है ग्राम पंचायतें, दूसरी होती है ग्राम सभाएं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, तो इसके क्या क्या बैकग्राउंड्स हैं. ठीक है, उन सभी को हमें चलते हुए आगे की ओर बढ़ना है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राम पंचायतें क्या होती हैं और ग्राम सभाएं क्या होती है. तो ग्राम पंचायतें हमारी होती हैं, ग्राम पंचायतें हमारी हो गई जिसमें कि हमारे जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है,
इलेक्टेड मेंबर से मेरा मतलब ये है कि जो उसमें ग्राम पंचायत है, जैसे इलेक्टेड मेंबर क्या होगा, हमारे ग्राम प्रधान हो गए, ठीक है। दूसरा जो वार्ड सदस्य होते हैं जो एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो सारे वार्ड सदस्य और प्रधान और उपप्रधान साथ में, ठीक है। तो ये हमारी आ जाते हैं ग्राम पंचायतों में, जब इनकी बैठक वगैरह होती है तो ये सभी लोग मिलकर अपनी बैठक करते हैं। दूसरी होती है ग्राम सभाएं। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर के जितने भी, ठीक है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस ग्राम सभा में आते हैं, और जो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं वो हर 6-6 महीने में होती है, और उन सभी 6 महीने में जो बैठक होती है उसमें सभी ये वयस्क जो नागरिक है, ठीक है, वयस्क नागरिक मतलब 18 साल से ऊपर की एज से जो सभी जनता है वो इसमें प्रतिभाग करती है, और सभी लोग मिलकर अपना एक कार्य योजना, अपना एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करते हैं हर साल के लिए, ठीक है। और वही जो लोग बताते हैं, जो लोग उसमें बैठक के माध्यम से आगे तक पहुंचाते हैं प्रधान के थ्रू या सचिव के माध्यम से, तो वही हमारी कार्य योजना तैयार होती है। उसी कार्य योजना के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर जो गांव में जरूरतें हैं उस हिसाब से वहां पे कार्य कराए जाते हैं। तो अगर आपका सपना है वीडियो बनने का, ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का, तो आपको उसके बाद ये सारे काम करने हैं, सोशल सर्विस करनी है, ठीक है, अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचाना है। तो ये हमारी हो गई ग्राम सभा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसके लिए गठित समितियां थी, ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या गठित समितियां थी, तो सबसे पहले जैसे बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी वो पंचायती राज की थी, और वो कब बनी थी, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उन्होंने उसमें सिफारिश करी थी कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत हो, ठीक है, और न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायतें हो। ऐसे ही अशोक मेहता समिति थी, इसे स्पेशली न्याय पंचायत के लिए जाना जाता है, और कभी कभी इसमें से प्रश्न भी पूछा जाता है न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किसने करी थी। तो न्याय पंचायत के गठन की जो सिफारिशें थी वो किसने करी थी, वो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी, और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से उसके बाद आई थी हमारी पीवी के राव समिति, और वो पीवी के राव समिति आई थी हमारी कब, 1985 में, ठीक है। तो सबकी लगभग आप देखेंगे अगर इनकी अनुशंसाएं पढ़ेंगे बहुत डीप पर जाके, तो आपको पता लगेगा कि लगभग सभी ने एक चीज बताई है कि ग्राम पंचायतें हो और न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत हो। इस प्रकार से उसने कि उनकी ग्राम सभा में क्या है, प्रक्रिया क्या हो, किस हिसाब से हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें दी गई है। उसके बाद हमारी आती है एलम सिंघवी समिति, ठीक है। तो जो एलम सिंघवी समिति कमेटी है वो हमारी 1986 में आती है, और जो ये एलम सिंघवी कमेटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी कमेटी के सिफारिश पे जो हमारी पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस कमेटी की सिफारिश पे वो प्राप्त हुआ, तो ये हमारा प्राप्त होता है किसमें, एलम सिंघवी समिति की सिफारिश पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पंचायती राज की कमिटीज थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी 1957 में, फिर अशोक राय मेहता कमेटी आती है, अशोक मेहता कमेटी आती है वो 1977 में आती है, फिर 1985 में पीवी के राव समिति आती है, देन 1986 में एलम सिंघवी कमेटी आती है। एलम सिंघवी कमेटी की सिफारिशों पे, रिकमेंडेशन पे हमारी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, और अब आप देखते हैं कि ये हमारे संविधान के भाग 9 में है, अनुसूची किसमें है, अनुसूची 11 में है, अनुसूची 11 में हमारा पंचायती राज है, भाग 9 के अंदर पंचायती राज है, और आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत में हमारा पूरा पंचायती राज है, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 ओ में, ठीक है, इन आर्टिकल्स के तहत क्या है हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, भाग 9 में अनुसूची 11 में आर्टिकल 243 से 243 ओ के अंतर्गत हमारे जो पंचायतों से संबंधित सारे प्रावधान हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पंचायतों में क्या क्या चीजें होंगी, वो हमारे पर्टिकुलर सारे अनुच्छेद के थ्रू दे दी गई है, और ये किसकी सिफारिश में हुआ है, यह हुआ है हमारी बलवंत राय सॉरी एलम सिंघवी कमेटी, इनकी सिफारिश पे हमारी पंचायती राज व्यवस्था को पूरा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप इन्हें भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर किसी न किसी एग्जाम में पंचायती राज से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको
एक प्रश्न इस टॉपिक से तो जरूर ही मिलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, ठीक है। और अगर आप यूपीपीएससी मेंस के लिए भी देने जा रहे हैं तो मेंस में भी इससे जरूर प्रश्न बन सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा सकता है या पर्टिकुलर आपको आर्टिकल दिया जा सकता है, उसके बाद आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कि 25 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में या फिर 100 वर्ड्स में इसके बारे में पूरा समझाइए कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, ठीक है। या महात्मा गांधी जी का क्या सपना था, क्या सपना ये पूरा करने में अभी हमारा पंचायती राज कारगर सिद्ध हुआ है, सफल सिद्ध हुआ है, इस प्रकार से आपके पास मेंस में भी आ सकते हैं और प्री के लिए भी आ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें वन मार्कर वन लाइनर वाले क्वेश्चंस में ये बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देखिए, रिवाइज करिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो क्या है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज के लिए क्या क्या चीजें बताई गई है। तो शुरुआत करते हैं जो ग्राम पंचायत के हमारे अनुच्छेद है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया था कि 243 से 243 ओ तक हमारे सारे इसके आर्टिकल हैं, ये सभी संबंधित है किससे, पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 243 है इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या दिया गया है, खाली परिभाषा दी गई है कि हमारी ग्राम पंचायतों में ये अनुच्छेद है, या ग्राम पंचायतों के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी जो परिभाषा है वो हमारी आर्टिकल 243 में दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 243A, इसमें हमें बताया गया है ग्राम सभा के बारे में, जो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि ग्राम सभा क्या है, इसमें वयस्क नागरिक होते हैं, ठीक है। वो वयस्क नागरिक से मिलकर जो 18 साल से प्लस के सभी लोग हैं उनको जो मिलके वो हमारी ग्राम सभा कहलाती है, और वही सब हमारी मीटिंग्स में प्रतिभाग करते हैं और उस हिसाब से अपनी ये कार्य योजना अपने गांव के लिए तैयार करते हैं। तो ये 243A में हमारे ग्राम सभा के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 243B में क्या बताया गया है, पंचायतों का संविधान, ठीक है। पंचायतों के संविधान के लिए हमें आर्टिकल 243B में बताया गया है। 243 हमारे सी में बताया गया है कि पंचायतों का गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो पंचायतों के गठन की प्रक्रिया होती है, इसके जो चुनाव होते हैं हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। और अगर ये भंग हो जाती है तो फिर 6 महीने में इसके चुनाव कराए जाते हैं। तो उसकी क्या क्या गठन की जो पूरी प्रक्रिया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रकार, ठीक है, वो नामांकन भरवाए जाते हैं या उसकी घोषणा की जाती है कि इसके चुनाव कब होंगे, तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारी पंचायतों के गठन की बताई गई है आर्टिकल 243C के अंतर्गत, ठीक है। 243D में क्या है, 243D में है हमारा सीटों को आरक्षण। सीटों का आरक्षण मतलब हमें पता ही है कि आरक्षण की व्यवस्था किसके लिए होती है, SC ST कम्युनिटीज के लिए होती है। तो यहाँ पे हमारा 243D में जो बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC ST उनकी जो आरक्षण की व्यवस्था है वो हमारी 243D में है। और स्टूडेंट्स ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये संबंधित है SC और ST से कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था वो उन्हें किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो वो है हमारा आर्टिकल 243D। तो इसे याद रखिए, ठीक है। 243E में है हमारा पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल अभी मैंने बताया आपको कितने साल का होता है, हर 5 साल का एक पंचायत जब गठित होती है तो उसकी गठन की तिथि से लेकर 5 साल तक उनका एक अपना एक कार्यकाल होता है। गठन की तिथि उनकी वो होती है जिस दिन वो सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ग्राम प्रधान है या वार्ड सदस्य हैं, वो सभी एक दिन अपनी संविधान के हिसाब से अपनी एक शपथ लेते हैं, ठीक है। तो उस शपथ की तिथि से लेके 5 साल तक उनका गठन होता है, उनका कार्यकाल होता है, वो होता है 5 साल का, ठीक। ऐसे ही अगला है 243F। आर्टिकल 243F में बताया गया है सदस्यों की अयोग्यता। सदस्यों की अयोग्यता का से हमारा मतलब यह है कि सदस्य किस प्रकार अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। तो इसमें बार बार दिशा निर्देश जारी होते हैं कि कौन कौन लोग हमारे चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारे सदस्य की अयोग्यता के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है आर्टिकल 243F में। आर्टिकल 243G में बताया गया है कि पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की क्या क्या पावर है, किस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 243G में। ऐसे ही आर्टिकल 243H है, इसमें पंचायतों की करारोपण शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 243I, इसमें राज्य वित्त
आयोग है, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और राज्यों में जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो जो राज्य वित्त आयोग है हमारा, वो गठित होता है किसके लिए? पंचायती राज के लिए। और इसके लिए ये प्रावधान जो है वो 243 I में दिया गया है कि एक पंचायतों के लिए अपना राज्य वित्त आयोग होगा। जो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, उन्हें धनराशि उपलब्ध कराता है, ठीक है। केंद्र की धनराशि होती है जो, या जो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो पैसा मिलता है ग्राम पंचायतों को, कि जिससे ग्राम पंचायतें अपने गांव में जो जैसे पेयजल संबंधी कार्य है, या ठीक है, या रोड्स वगैरह बननी है, या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगनी है, ठीक है। तो कोई भी चीज है, अगर वहां ग्राम पंचायतों में डेवलपमेंट का कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए जो बजट हमें प्राप्त होता है, वो सारा बजट हमें कहां से प्राप्त होता है? राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होता है। तो ये राज्य वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है, ये आर्टिकल 243 I के अंतर्गत पंचायतों के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर है 243 J, इसमें हमारा दिया गया है ऑडिट, ठीक है। ऑडिट मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा CAG है, CAG भी जो ऑडिट करता है, वो केंद्र में कितना बजट आ रहा है, वो बजट कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसका ऑडिट होता है। उसी प्रकार से हमारा पंचायतों का भी एक ऑडिट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें धनराशि उपलब्ध होती है, तो जहां भी हमें पैसा कहीं से प्राप्त होता है, ठीक है, जितना भी हमें रुपया मिलता है, वो रुपया का सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस जगह पे वो पैसा कैसे खर्च हुआ है, वो सारे जो दस्तावेज होते हैं उनके, वो ऑडिट के माध्यम से चेक किए जाते हैं। प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों का अपना एक ऑडिट होता है, जिसमें हर साल कितना रुपया आया, कितना रुपया किस मद में खर्च किया गया, उनकी जो सारी फाइल्स होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ऑडिट के माध्यम से देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पंचायतों का ऑडिट होता है, ये होता है आर्टिकल 243 J में। फिर है आर्टिकल 243 K। 243 K में क्या होता है कि पंचायतों का चुनाव है, और राज्य वित्त जो सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग है, वो है हमारा 243 K में, ठीक है। तो यहाँ पे एक राज्य निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग केंद्र का नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति है, ठीक है, या फिर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए वो निर्वाचन आयोग कार्य करता है। यहाँ पे तो ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, ये स्पेशल ये किसके लिए निकालता है? जो पंचायतों के जो 5-5 साल में चुनाव होते हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमारे कराए जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी जो निर्वाचन की होती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग की बनती है। और ये हमारा प्रावधान किसमें किस अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 K के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 243 L। तो आर्टिकल 243 L में हमें कहा गया है कि संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, कि संघ के सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 243 M में कहा गया है कतिपय मामलों में इस भाग का लागू न होना। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा दूंगी कि कतिपय मामलों में इस भाग का लागू ना होना ये क्या है। जैसे हमें पता ही है कि पैसा एक्ट है, ठीक है, जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस टाइप के जो राज्य है, ST जहाँ पे जनजाति निवास करती है, तो उनके कहीं क्षेत्रों पे ऐसा है कि ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। लागू होती है मतलब उसमें थोड़ा सा स्पेशली मतलब कहीं पे अलग अलग प्रोविजंस किए जाते हैं, कुछ चेंजेस वहां के लिए लाए जाते हैं, स्पेशल जनजाति वगैरह के लिए, ट्राइबल्स के लिए। तो वहां पे जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सीधे लागू ना होके कुछ थोड़ा अलग से संशोधन के माध्यम से उन जनजाति क्षेत्रों तक लागू होती है, ताकि वो उनके अनुरूप वहां पे जो कार्य है वो किए जा सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि पैसा एक्ट क्या है, और पैसा एक्ट बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारा, ठीक है। फिर अगला है देखिए आर्टिकल N है, आर्टिकल 243 N है हमारा, ये है पूर्व में विद्यमान कानून जारी रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पूर्व से कानून बने हैं वो हमारे जारी रहेंगे, वो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 243 O। 243 O में कहा गया है कि चुनावी जो मामले हैं उसकी न्यायालय पे के हस्तक्षेप पर रोक लगी जाएगी, ठीक है, ये हो गए। तो ये हमारे हम देखेंगे कि कितने हैं हमारे आर्टिकल 243 से हमने 243 O तक डिस्कस किया, और ये हमारे हैं आर्टिकल पूरे कितने हैं, टोटल 16 जो आर्टिकल्स हैं वो संबंधित हैं किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। तो दोस्तों ऐसा है कि अब हमें खाली आर्टिकल 243 में पंचायती राज के हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 243 में पंचायती राज है, इतना ही हमें नहीं पता करना है जो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसके अंतर्गत, कि आर्टिकल 243 से 243 O में पर्टिकुलर किस अनुच्छेद में क्या क्या है, वो सभी आपको अच्छे से देखना है, उनके बारे में जानकारी रखनी है, ताकि आप आगे होने वाले सारे एग्जाम्स में ठीक है सक्सेस हो सके। तो अच्छे से पढ़िए अपनी
तैयारी अच्छे से करिए और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला इसका सेकंड वीडियो जो मैं लेके आऊंगी पंचायती राज का, वो पैसा ऐप से संबंधित होगा, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट एंड